हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो, और सभी को ईद मुबारक। तो हमारी नमाज हो चुकी है और फजर के टाइम में हम गए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। और मॉर्निंग को कितना 5 बज रहा था, ठीक है। 5 बजे गया, फजर का नमाज पढ़ा, और इस वक्त है हम मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में कैसा है कि क्राउड बहुत हो जाता है मस्जिद में, और हम ईदगाह में नहीं गए थे, ईदगाह बहुत ज़्यादा दूर था, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद फजर का नमाज़ पढ़ा, और फिर उसके बाद ईद का नमाज़ पढ़ा। ईद का नमाज़ पढ़ने के बाद, और अभी सब के सब बाहर निकल चुके हैं, और कुछ लोग अपने अपने रूम चले जा चुके हैं, और हम हैं इस वक्त थोड़ा नाश्ता करने के लिए। मैं और मेरा पार्टनर दोनों नाश्ता करेंगे, मेदू वड़ा और क्या बोलते हैं, इडली बोलते हैं, ठीक है। वो नाश्ता होगा, फिर उसके बाद रूम जाएंगे, और फिर उसके बाद अपने भाइयों से मिलने जाएंगे। और भाई कैसा, ईद मुबारक। ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये अपना भाई है, साथी है हम लोग। तो सभी लोग धीरे धीरे आगे निकल चुके हैं, और इस वक्त हम यहाँ नाश्ता वगैरह थोड़ा करेंगे, और फिर उसके बाद रूम को जाएंगे। तो सभी को ईद मुबारक। और आज हम जाएंगे अपने भाइयों से मिलने, कहाँ, कुरला साकी नाका जाएंगे भाइयों से मिलने। खाला का लड़का है और मामा का लड़का है, उनसे भी मिलने जाएंगे। हालांकि रूम पे रह के कोई मतलब नहीं है, तो मस्त नमाज़ तो पढ़ लिए भाई। क्राउड की वजह से ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता, क्योंकि अपना नमाज़ हो चुका है, और 7:30 के आसपास था नमाज। तो कितना 7:15 बजे के आसपास नमाज स्टार्ट हो चुकी थी, और काफ़ी लोग आ गए थे, क्राउड भाई अलग ही लेवल। तो 2 नमाज होनी थी, ठीक है, जिसमें कि पहले नमाज में हम लोगों ने बहुत ही पहले पहुँच गया था, पहले शफ में ऐसा था। हमारा नाश्ता आ चुका है, क्या है, मेदू बड़ा, ठीक है। मेदू बड़ा मस्त खाएंगे, और फिर उसके बाद रूम को जाएंगे। पार्टनर भी मस्त मेदू बड़ा, इडली नहीं लिया, मेदू बड़ा खाते हैं मस्त, फिर उसके बाद सारी बातें करते हैं, ठीक है। तो यारो, हमारी नाश्ता हो चुकी है, और इस वक्त मस्त नाश्ता हो गया भाई, क्या लगता है, मेदू बड़ा या फिर इडली कह लो, अमेजिंग। तो इस वक्त जा रहे रूम को, और रूम पे वाकई में सभी लोग पहुंच गए होंगे, क्योंकि किसी ने नाश्ता नहीं किया, एकदम फटाफट गए पहुंच गए होंगे। तो सेवई वगैरह बना रहे होंगे, ठीक है, सेवई वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि ईद का नमाज़ पढ़ने आना होता है, तो उसके लिए खजूर होता है, या फिर कह लो दूध वगैरह में, मतलब खजूर वगैरह खाड़ा वगैरह लगा कर, या फिर सेवई, ये सब करके जाया जाता है, वो भी हल्के हल्के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, जो कि सुन्नत भी है। तो गाइस, इस वक्त हम आ चुके हैं बिल्कुल भी टुंगा विलेज में, अपने भाई लोग से मिलने। तो इस वक्त हमारी तैयारी चल रही है खाने पीने की, भाई साहब देख लो, टुंगा विलेज है, यहाँ से ऐसे दिखते हैं, और यहाँ से यहाँ इस साइड हमें जाना है, जबकि टुंगा विलेज इस साइड में पड़ेगा, ये टुंगा विलेज ही इसे क्यों कहते हैं। तो अभी कुछ सामान वगैरह ले लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो इस वक्त आ चुके हैं भाई लोगों के पास, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हमारे भाई लोग यहाँ पे रहते हैं, और कहाँ पे, टुंगा विलेज में, ठीक है, कुरला के साइड में, साकी नाका ऐसा कुछ सुनने को मिलते हैं। तो वहाँ पे आए हुए हैं, और भाई एक तो पूरा रात से इधर आके मतलब मस्त इंजॉयमेंट कर रहे हो, और अपना भाई का ऐसे ही छुट्टी है, तो बस पुलाव बना रहे भाई। पहला देख लो यहाँ क्या बन रहा है, यह पुलाव, और बाकी का वहाँ चढ़ाया हुआ है, दोनों एकदम मस्त मेहनत कर रहे हैं। और हम इस वक्त जगह पर बिल्कुल भी पहुँच चुके हैं, और मस्त आराम कर लेते भाई, 1 घंटा लग गया रूम से आने में, बोरी वोरी कहाँ, और साकी नाका कुरला कहाँ, बहुत दूर ऐसे। तो भाई मस्त बन रहा है, फिर बाकी के सामने पता चलेगा कि क्या कुछ चल रहा है, रुकना है कि जाना है यहाँ से, ये सारी चीज़ें। क्या आज और भाई क्या बना रहे हैं, अरे बाप रे बाप, पुलाव बन रहा है, मटन बन रहा है, ईद है भाई, न तो बनता ही है। शाम हो चुके हैं, और इस वक्त हम और मेरा भाई ने भी है, दोनों साथ में निकल चुके हैं घूमने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, एक क्रेन हमने देखा है, जो आप सभी को दिखाते हैं, और वो कौन सी क्रेन है वो भी दिखा देते हैं। वहाँ पर देख लो, लफिंग क्रेन लगी हुई है, लफिंग क्रेन देखो कैसा दिखता है भाई साहब, पूरा हाइट करके रखा है।
इस वक्त आ चुके हैं पोवई के गार्डन में। भाई भाई साहब कौन सी गार्डन है अता पता नहीं है, लेकिन एक गार्डन है पता नहीं जंगल जैसा ही ज़्यादा कुछ देखने को मिल रहा है। तो अभी वो दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखने को मिलता है कि सभी जनता एकदम आई हुई है ईद के मौके पे। और यहाँ से यहाँ से यहाँ से देखने को मिल रहा होगा ये पता नहीं क्या चीज़ है। और भाई साहब क्या हालचाल है? सब बढ़िया है। बढ़िया है। ये टेंशन में क्यों रहता है समझ में नहीं आ रहा। ए टेंशन वाला तो भाई मस्त खाना वाना खा लिया है। एक खाना खाया 12 बजे और दूसरा खाना खाया 4 बजे। तो भाई साहब सस्ती नहीं पकड़ेगा तो क्या पकड़ेगा, पैसा सीन बन जाता है कभी कभी। भाई साहब गार्डन है, गार्डन कम जंगल ज़्यादा लग रहा है। गार्डन में ऐसे ही कुछ होता है, जंगल ही ज़्यादा होता है। तो भाई यहाँ पे देख लो मस्त कैमरा उमरा लगा के रखा है सेफ्टी के दायरे में। ज़्यादा कोई नाटक किया तो जब्त कर लिया जाएगा भाई साहब समझो। ऐसा सीन देखने को मिलता है। चलते हैं आगे साइड में देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और यहाँ से भाई इस साइड में भी कोई रास्ते हैं पता नहीं कहाँ जाएगा। फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम आया, ज़्यादा टाइम हो जाता है, साल लग गया ऐसा। तो ऐसा ही सीन देखने को मिलता है। हमारे भाई लोग हैं अजवर भाई, अनवर भाई। ये सारा भाव खाता है क्या बोलेगा इसको। ऐसा लोग से दूरी बना के रखोगे ना, जैसे होता है ना एक एक आदमी दूरी बना के रखना चाहिए वही यार। लेकिन साथ में दोनों हम लोग कमाने निकले थे भाई, थोड़ा टाइम के आगे पीछे हुए हम लोग। चल भाई खाली बैठा रहेगा इधर उधर।